गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड पेज नंबर 42 एंड 43 ऑफ लेसन 5। हियर द टॉपिक इज लेट्स राइट। आपको ये सारा लिखना है, ठीक है। तो पहला है इसमें प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर। ये एक गेम है, आपको अपने फ्रेंड के साथ खेलना है, पार्टनर के साथ खेलना है। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करिए। मूव योर फिंगर ओवर द पेज व्हाइल यू सिंग। और ये जो पेज दिया हुआ है नीचे, आपको अपने फिंगर्स को इस पे मूव करना है और ये गाना गाना है आपको, ये पोयम रिसाइट करना, ठीक है। द पोयम इज टिक टैक टो राउंड आई गो, इफ आई मिस आई विल टेक दिस, ठीक है। When you finish reciting the poem, और जब आप ये poem गाना बंद कर देंगे, stop making, moving your finger, और आप अपने finger को भी move करना बंद कर देंगे। Open your eyes, अपनी आँखें खोलेंगे। See which letter you stop at, और देखेंगे कि आपने किस letter पर stop किया है। Use the clues to write the letter, write the word beginning with the letter that you find, और उस letter को आपको use करना है, उस clue को use करना है, उससे एक word बनाना है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इससे कौन कौन सा वर्ड बना सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए से लेके जेड तक वर्ड्स दिए हुए हैं और क्लू भी दिए हुए हैं, और इससे आपको वर्ड्स बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, जैसे ए से समथिंग यू ईट, तो हम लोग एप्पल लिख देंगे। बी से समथिंग दैट फ्लाइज, बर्ड। सी से इट म्यूज, कैट। डी ए पेट यू लव, डॉग। ई ए बिग एनिमल, एलिफेंट। एफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी, फेस और फिंगर। जी से ए पर्सन, गर्ल। एच से ए प्लेस वेयर यू लीव, हाउस। आई से दिस इज माई कंट्री, इंडिया। जे से फिल इट विथ वाटर, जग। के से इट फ्लाइज इन द स्काई, काइट। जे के हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे एल से हम लोग लिख देंगे किंग ऑफ द जंगल, आपको लिखना है तो लायन लिख सकते हैं। एम से इट स्विंग्स फ्रॉम ए ट्री, जो पेड़ पर इधर से उधर कूदता है उसका, उसको लिख देंगे हम मंकी। एम से फिर देखते हैं यहाँ पे एम एन एन से ए बर्ड्स होम, नेस्ट। ओ से ए फ्रूट का नाम, ऑरेंज। पी से यू राइट विद दिस, वी कैन राइट पेन और पेंसिल। क्यू से इट कीप्स यू वार्म इन विंटर, तो क्विल्ट हम लिख देंगे रजाई, जिसका कि मतलब होता है। आर से ए ब्यूटिफुल फ्लावर, रोज। एस से समथिंग यू वियर, शर्ट। टी से ए हॉट ड्रिंक, टी, चाय, ठीक है। यू से इट कीप्स यू ड्राई इन द रेन, दैट इज अम्ब्रेला। वी से इट मूव्स ऑन व्हील्स, वैन। डब्ल्यू से समथिंग यू ड्रिंक, वाटर। एक्स से ए ट्री विथ लाइट्स एंड स्टार, वी कैन राइट एक्समस ट्री। एंड नाउ वाई से ए कलर का नेम हम लोग देखेंगे येल्लो। जेड से ए प्लेस का नेम, जू, ठीक है। आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, इस तरह से आप इसे भी लिख सकते हैं या अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। अब हम नेक्स्ट पेज नंबर पे आते हैं, 33 पेज नंबर 43। हियर यू हैव टू डू टीम टाइम, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म ए क्लिक क्लब इन ग्रुप्स, आपको एक ग्रुप में क्लिक क्लब बनाना है। गिव योर क्लब ए नेम, अपने क्लब को एक नाम देना है, तो इसका पहला स्टेप है टेक ए वेट स्लैब ऑफ क्ले, एक सूप गीले क्ले के टुकड़े को लेना है आपको, मिट्टी के टुकड़े को। यूज ए मैच स्टिक टू राइट द नेम ऑफ योर क्लब, और एक मैच स्टिक की सहायता से आपको अपने क्लब का नाम उस पर लिखना है। एंड ऑल द मेंबर्स, ऑल द क्लब मेंबर्स ऑन इट, और आपके क्लब में जितने भी मेंबर्स हैं उनका नाम भी आपको उस मैच स्टिक से उस मिट्टी के टुकड़े पर लिखना है, ठीक है। लेट द स्लैब्स ड्राई, और उसके बाद उस मिट्टी के टुकड़े को सूखने के लिए आपको छोड़ देना है। उसके बाद डिस्प्ले योर स्लैब्स इन द क्लासरूम, और आपने जो वो स्लैब तैयार किया है क्लब क्ले क्लब का, उसको आपको अपने क्लासरूम में दिखाना है, शो करना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ट्राई मेकिंग डिफरेंट थिंग्स विथ क्ले लाइक बर्ड, सन, फ्लावर, ईटीसी। और इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बना सकते हैं उस गीले मिट्टी का, जैसे कि बर्ड, सन, फ्लावर, ईटीसी, ओके। एंड नाउ द सेकेंड टॉपिक इज फन टाइम, यू हैव टू डू lots of fun in it, okay? So we will start, have a fun with clay. हमको हमें इस क्ले के टुकड़े से अब फन करना है, ठीक है। तो पहला है टेक अ क्ले बॉल, एक क्ले बॉल लेना, यूज ए रोलिंग पिन एंड रोल द क्ले आउट फ्लैट। आपको एक रोलिंग पिन लेना है, बेलन, और उस क्ले को फ्लैट चपटा करके बेल लेना है। मेक अ क्ले पैनकेक राउंड लाइक ए रोटी और इडली, एक क्ले पैनकेक बनाना है बिल्कुल गोल रोटी या फिर इडली के जैसे, विद द हेल्प ऑफ ए मैच स्टिक, और इसमें आपको मैच स्टिक की सहायता लेनी है। ड्रॉ ए सर्किल और यूज ए बॉल टू कट ए सर्किल आउट ऑफ द रोल्ड क्ले, और वो जो रोल बेला हुआ क्ले हमने बनाया उसको एक मैच स्टिक की सहायता से उसको उस पर एक सर्किल ड्रॉ करना, और उसको या फिर कटोरी की सहायता से उसको काट लेना है। यूज द एक्स्ट्रा क्ले टू मेक आइज, नोज, ईयर्स एंड ए स्माइली और ए सैड फेस, और उसका
उसको सर्किल में काटने के बाद जो क्ले बच जाता है उससे हमको आईज, नोज, ईयर्स और या फिर ये स्माइली और ये सैड फेस बनाना है इस तरह से, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं। ऑल्सो ट्राई मेकिंग हेयर, और उस फेस का आपको बाल भी बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है, जैसा फिगर में दिया हुआ है। वॉट एल्स कैन यू डू टू मेक द फेस कलरफुल, और बाकी और आप क्या कर सकते हैं उस फेस को कलरफुल बनाने के लिए, तो हम बताते हैं कि क्या कर सकते हैं। उसको हम सूखने के लिए दे देंगे, पहले वो सूख जाएगा, उसके बाद हम उसे पेंट ब्रश से पेंट कर सकते हैं, उसको मनचाहे कलर में कलरफुल बना सकते हैं, ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा पेज नंबर 42 और 43, ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, इस सारे क्लू के साथ आप इसके सारे आंसर को राइट डाउन कर लेंगे कॉपी में, ये आपका होमवर्क है। और आप अपने घर में ये क्ले से फन टाइम करेंगे, टीम टाइम करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए और आप अपने पढ़ाई में मन लगाएंगे। नेक्स्ट पेज नंबर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।